सेवन शरीफ की अदालत में तारीख पर आने वाले मौजूद दो जमातों में जमानतें रद्द होने के बाद आपस में झगड़ा हो गया। बाद में एक जमात नुहानी बरादरी के आदमी वहीद अली नुहानी के नामी अदालत के बाहर से लापता हो गया। जंगारा के रहायशी नुहानी बरादरी के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कलंदर बख्श नुहानी, एहसान नुहानी, गुलाम अब्बास नुहानी की क्यादत में कलंदरी प्रेस क्लब के सामने अपने आदमी वहीद अली नुहानी के अगवा के शक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। झगड़े में मुकीम नुहानी बरादरी और मंगाल कम्युनिटी रजिया की शादी का केस सेवन अदालत में चढ़ा था, जबकि एडिशनल सेशन जज कोर्ट सेवन ने दुल्हन और दूसरे जवाबदारों की जमानती को मुस्तरद कर दिया। वहां दोनों ग्रुपों में झगड़ा हो गया। तनाजे के दौरान औरतें और आदमी जख्मी हो गए। अदालत में कुछ लोगों को सेवन पुलिस थाने पे ले गई। आज कलंदर बख्श नुहानी, एहसान नुहानी, गुलाम अब्बास नुहानी की क्यादत में कलंदरी प्रेस क्लब सेवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया के सामने मंगनहार बरादरी के लोगों के ऊपर अगवा का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हमारा एक आदमी वहीद अली नुहानी को मंगनहार बरादरी ने अपने साथियों को लेकर अगवा कर लिया है। हम अल्लाह इख्तियार को अपील करते हैं कि हमारे आदमी को बाजियाब कराया जाए।